आज हम बात करने वाले हैं किट पंखा कैसे लगाना है, आपको किट पंखे को छत पे किस तरीके से लगा सकते हैं। तो ये हमारे पास किट फैन का मोटर है और इसको छत पे लगाने के लिए इस तरीके का कोई जुगाड़ आता है जो आपको मार्केट में अवेलेबल हो जाएगा। और इसको हमें पीछे की तरफ यहाँ पर ये जो आपको दिख रहा है इसमें दो स्क्रू अलग से एक्स्ट्रा दिए रहते हैं ताकि आप आसानी से इसमें किट का अपना जो सिस्टम है इसको छत पंखे में कन्वर्ट कर सकते हैं। और इसके लिए हमने अलग से एक ब्लेड भी लेकर आए हैं, वो भी मैं आपको अभी दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले हमें इसे खोल कर से इसके अंदर फिटिंग कर लेना है। जैसे हमें यहाँ लगा देना है, एक यहाँ लगा के इसे अच्छी तरीके से टाइट कर देना है। तो गाइस इसे हमने अच्छी तरीके से टाइट कर दिया और आपको एक बार ये देखना है ये हमारी जो सिस्टम है सीधी होनी चाहिए। उसके बाद गाइस ये हमने ब्लेड लेकर आए हैं मार्केट से, ये 100 रुपये में अवेलेबल हो जाता है ये ब्लेड स्पेशल किट के लिए। ये तो इसे हमें यहाँ ऊपर में फिट कर देना है। इसके अंदर अपना जो ब्लेड है उसको भी फिट कर दिया, आप देख सकते हो इसको ब्लेड किस तरीके से मैंने फिट किया। ये थोड़ा सा बाहर आ रहा है, हमारा जो पुल्ली है ये बाहर आ रहा है क्योंकि इसको बाहर ये इसलिए आया क्योंकि ये जो इसका स्क्रू का पोजीशन है ये थोड़ा पीछे जाएगा जब स्क्रू पोजीशन जो इसके अंदर खांचे बने होते जो थोड़ा चिपता रहता है वो वहाँ तक जब ही पहुँच रहा था। तो ये हमारा बाहर चला गया, उससे कोई दिक्कत नहीं क्योंकि इस ब्लेड के अंदर इतनी स्पेस बनी हुई है कि ये मोटर को अपने अंदर ऐसे समा ले रहा है। तो अब हमें इस किट को हमें ऊपर में फिट करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर पहले से जो पंखा लगा था वो ख़राब हो गया, उसको हमने बाहर निकाल दिया है। अब यहाँ पर हम अपने इस किट को फिट करते हैं और देखते हैं इसकी फ़ैन स्पीड जो होती है हमारी वो कैसी है। पहले वाला सही था, ये वाला ये सही है, मैं आपको इस बारे में भी रिव्यू करके बताऊँगा। तो गाइज हमने इस पंखे को फिटिंग कर दिया है और अब हम इसे ऑन करके देखने वाले हैं ये कैसा हवा देता है। देखने में गाइस ये छोटा लग रहा है पर इसकी स्पीड देख सकते हो आप कितनी हाई स्पीड चल रहा है। और इसकी अगर हवा की बात करूँ मैं तो जहाँ पर मैं खड़ा हूँ मेरे फेस पे हवा नहीं लग रहा है, मेरे पैरों पे हवा महसूस हो रही है। और पैरों पे इसलिए हवा महसूस हो रही है क्योंकि ये ज़मीन से टकरा के हवा फैल रही है और ऐसे हवा आसमान में मतलब बोले तो ऊपर में हवा बिल्कुल भी नहीं फैल रही है। अभी मैं जैसे यहाँ मैं बिल्कुल ठीक पंखे के नीचे ये कुर्सी को डाल देता हूँ तो आपको समझ में आएगा ये कुर्सी यहाँ है और पंखा वहाँ है। तो इस कुर्सी के ऊपर हवा नहीं आ रहा है। अगर मैं यहाँ डाल दूँ इस कुर्सी को और पंखा ठीक इस कुर्सी के ऊपर में है तो यहीं पर हवा आ रहा है, मतलब जहाँ पर पंखा के ठीक नीचे ही हवा आ रहा है। और पंखे से अगर हम थोड़ा सा इधर उधर हो जाए तो बिल्कुल भी हवा नहीं दे रहा है। तो अगर इसे आप लगाना चाहते हैं तो सिर्फ और सिर्फ एक जगह पे हवा फेंकने के लिए लगा सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ ये एक ही जगह पे हवा दे रहा है। अगर आप बात करें कि अगर मैं इसे लगा दूँ कमरे में, पूरे कमरे में ये हवा फैलाए तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करेगा, ये जहाँ है ठीक वहीं पर हवा दे रहा है। अगर मैं इसको थोड़ा सा साइड भी कर दूँ ना, बिल्कुल मात्र 2 कदम की दूरी पर भी अगर इसे रख दूँ तो ये हवा बिल्कुल भी नहीं देता वहाँ पर। तो आप इसे लगाने से पहले इस बात का ध्यान रखें कि आपको हवा बिल्कुल भी नहीं देने वाला अगर आप इसको बेड से अलग रखने वाले हैं। तो यहाँ मेरा दुकान है तो दुकान के नीचे मैं यहाँ पर कुर्सी लगाऊंगा तो मेरे लिए यह चल जाएगा। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी गाइस कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना।